नमस्ते, YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है गिरिचित रामचंद और आज हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में स्टडी करेंगे। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेंटेन करना ये एयर कंडीशनर का एक इम्पॉर्टेंट काम है। इसके लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर एकदम सिंपल डेफिनेशन की जाए तो हवा में पानी का जो परसेंटेज होता है उसे हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल में एक पानी का ग्लास लिया हुआ है और इस पानी की ग्लास में 100 ml तक पानी भरा जा सकता है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी पानी भरा हुआ नहीं है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस ग्लास में 0% इतना पानी है। उसी एग्जाम्पल को हम कमरे के साथ में जोड़ देते हैं। समझो एक बंद कमरा है और उस बंद कमरे में जो हवा है उस हवा में 100 ml इतना पानी भरा जा सकता है, लेकिन अगर उस कमरे में बिल्कुल भी पानी नहीं है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस कमरे में 0% इतनी ह्यूमिडिटी है। इस एयर को हम ड्राई एयर भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे ह्यूमिडिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दिया है। अगर आपको ह्यूमिडिटी कैलकुलेट करनी है तो उसका फॉर्मूला बनता है एक्चुअल मॉइस्चर इन एयर डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मॉइस्चर एयर कैन होल्ड इनटू 100। अगर फर्स्ट एग्जांपल पे देखा जाए तो फर्स्ट एग्जांपल में एक्चुअल मॉइस्चर इन एयर 0 ml है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, और हवा की मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है 100 ml। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाता है 0%। इसका मतलब फर्स्ट एग्जांपल में जो ह्यूमिडिटी है वो 0% है। अगर हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं तो सेकंड एग्जांपल में ग्लास में 100 ml तक पानी भरा जा सकता है, लेकिन इसमें सिर्फ 25 ml इतना पानी है। इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि ग्लास में 25% इतना पानी है। अगर हम रूम के एग्जांपल में देखते हैं तो इस कमरे में टोटल जो हवा है उसमें 100 ml इतना पानी भरा जा सकता है, लेकिन कमरे में सिर्फ 25% या 25 ml इतना पानी है। ऐसी जो कंडीशन है, एक कंडीशन डेजर्ट में यानी रेगिस्तान में हो सकती है। अगर इस जगह का अगर RH कैलकुलेट करना है तो RH का फॉर्मूला जैसे मैंने पहले बताया, एक्चुअल मॉइस्चर इन एयर डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मॉइस्चर एयर कैन होल्ड इनटू 100। तो एक्चुअल जो मॉइस्चर है वो 25 ml है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मॉइस्चर जो एयर एब्जॉर्ब कर सकती है वो है 100 ml। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आ जाता है आंसर 25%। जो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन देखी हमने, इस फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में जो RH है या रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, ये हवा में जो नमी है वो बहुत कम है। जब हवा में मॉइस्चर कम होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ऐसे वक्त में हवा बॉडी की मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है, क्योंकि हवा की मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज़्यादा है। लेकिन एक्चुअल जो मॉइस्चर है यहाँ पे आप देख सकते हो 0% और 25% इतना मॉइस्चर हवा में प्रेजेंट है। तो हवा को और मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, क्योंकि हवा में इतनी जो जगह है वो अनसैचुरेटेड है, और इसके लिए हवा बॉडी की मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है, जिससे कि बॉडी से एक्सेस मॉइस्चर बाहर निकल के जाता है और जिसी को हम कहते हैं कि बॉडी ड्राई हो जाती है। जैसे कि विंटर सीजन में आप देख सकते हैं, विंटर सीजन में बॉडी से एक्सेस मॉइस्चर बाहर निकल के जाता है, जिसकी वजह से हमारे ओट फटते हैं या स्किन ड्राई हो जाती है और हम डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं। इसके लिए एयर कंडीशनिंग रूम में जो ह्यूमिडिटी होती है वो ह्यूमिडिटी 50-60% के बीच में होती है। अगर हम थर्ड एग्जांपल में देखते हैं तो थर्ड एग्जांपल में ग्लास कैपेसिटी सेम है 100 ml पानी की रखने की, लेकिन ग्लास में 75% या 75 ml इतना पानी भरा हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि ग्लास में 75% इतना पानी है। अगर हम रूम के एग्जांपल में या कमरे के एग्जांपल में देखते हैं तो कमरे में जो हवा है उस हवा में 100 ml तक पानी भरा जा सकता है, लेकिन उस हवा में सिर्फ 75 ml या 75% इतना पानी अवेलेबल है। ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन कोस्टल एरिया या फिर समुद्र के किनारे में हो सकती है, क्योंकि समुद्र का पानी जब इवेपोरेट हो जाता है तो इवेपोरेट होके जो पानी की भाप है वो सीधा हवा में मिक्स हो जाती है, और ऐसे वक्त में हवा की ह्यूमिडिटी 75% या 85% तक बढ़ सकती है। अगर इस जगह की RH को कैलकुलेट करना है तो सेम फॉर्मूला, एक्चुअल मॉइस्चर इन एयर डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मॉइस्चर एयर कैन होल्ड इनटू 100। एक्चुअल जो मॉइस्चर है हवा में वो 75% या 75 ml है, और हवा जो है 100 ml तक पानी को एब्जॉर्ब कर सकती है, ऐसा हमने एज्यूम किया। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाता है 75%। इसका मतलब थर्ड एग्जाम्पल में जो ह्यूमिडिटी है वो 75% है। और अब हम बात करेंगे फोर्थ एग्जाम्पल की। फोर्थ एग्जाम्पल में ग्लास को पूरी तरीके से भर दिया। ग्लास की जो मैक्सिमम कैपेसिटी थी वो थी 100 ml, और पूरा पानी भरने के बाद में ग्लास में 100 ml इतना पानी हो गया। इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि ग्लास में 100% पानी है या 100 ml पानी है। अब हम बात करेंगे कमरे की।
इस कमरे की में जो हवा है उस हवा की मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है 100 ml, और पूरी कैपेसिटी का पानी हमने इसमें भर दिया है या पानी इसमें चला गया है। तो ऐसे वक्त में इस कमरे में 100% ह्यूमिडिटी है, ऐसा हम कह सकते हैं। इस टाइप की जो कंडीशन है वो ड्यूरिंग हैवी रेन, मतलब जहाँ पे कंटिन्यूस 3-4 दिन तक बारिश हो रही है, ऐसी जगह पे एक कंडीशन क्रिएट होती है। क्योंकि जब बारिश कंटिन्यूस गिरती है तो बारिश का पानी हवा में मिक्स हो जाता है और हवा को जितना पानी चाहिए उतना पानी मिल जाता है। ऐसे वक्त में हवा पूरी तरीके से सैचुरेटेड हो जाती है, या इसे हम क्या कह सकते हैं, 100% ह्यूमिडिटी की कंडीशन। ऐसे वक्त में अगर आपने एब्जॉर्ब किया होगा, अगर आप कपड़े सुखाते हो तो कपड़े का पानी हवा में नहीं जाता, क्योंकि हवा में ऑलरेडी इतना पानी है, 100% पानी होता है कि हवा बाहर के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। ऐसे कंडीशन में लास्ट जो थर्ड और फोर्थ जो कंडीशन है, ऐसे कंडीशन में हवा में मॉइस्चर ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाता है, बॉडी का जो मॉइस्चर है, बॉडी का जो पसीना है, हवा एब्जॉर्ब नहीं करती, और इस वजह से बॉडी का जो पानी है या पसीना है या जो मॉइस्चर है बॉडी के ऊपर रुकता है, जिससे कि हम डिस्कम्फर्ट महसूस कर सकते हैं और पसीने से बदबू फैलती है। इसके लिए एयर कंडीशनिंग रूम में ह्यूमिडिटी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, और एयर कंडीशनिंग रूम में 50-60% इतनी ह्यूमिडिटी मेंटेन की जाती है। आने वाले सेशन में, अगले सेशन में हम ह्यूमिडिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ड्राइबल टेम्परेचर क्या होता है, वेटेबल टेम्परेचर क्या होता है, वेटेबल डिप्रेशन क्या होता है, इसके बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और हम जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।